हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अब जैसे कि कालिया भी आ गया है, तो कालिया गांव इसलिए गया था गाइस, मुझे राहुल ने बताया नहीं था, बट मुझे आज ही इसके दोस्त का फ़ोन आया कि इसके घर में चल रही है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसों की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इसके घर में ये और एक भाई इसका, वही कमाने वाला है, बाकी जो है वो दो कमाते नहीं, एक तो पत्नी बाहर ही रहता है और एक ऐसे खाता पीता रहता है, नशे पते में रहता, तो कमाता नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे राहुल के दोस्त का फ़ोन आया कि मैम उसके घर में लगातार रोज़ लड़ाई हो रही है ना, और वो कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, पता नहीं ऐसे से बोलता, छोटा तो है अभी 17 साल का तो है। तो गाइज़ इनके घर के पास ये ट्रे बैठा रहता है कहते हैं, तो उसके दोस्त ने बोला कि मैडम मेरे को ऐसे डर लगता है कि कई बार कहीं गाड़ी ना आए जिसे घर पे इसके घर वाले पैसों के लिए तंग करते हैं, तो ये मरमरा ना जाए। तो गाइज आज मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे तो बोल रहा है कि मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि बोल रहा है बहुत रो रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ राहुल के पास, देखते हैं गाइज, और मैं बताती हूँ कि वो कहाँ पटरी पे कहाँ बैठता है, उसके दोस्त भी वहीं बैठते, खाता पीता नशे पते भी वहीं है, और गाइज वहीं बैठ के नशे पते करता है, गलती से ट्रेन आ जाए और उसके नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ राहुल के पास, देखते हैं उसको क्या बनता है, सारी दिक्कत परेशानी देखते हैं। सो ब्लॉग के साथ बने रहो, मैं लेट ना करूँ, इससे पहले कहीं पटरी आ जाए और राहुल कहीं मरमरा ना जाए, इससे पहले इसको जाके समझाते हैं, बात करते हैं। तो ब्लॉग के साथ बने रहना, स्टे ट्यून। सो गाइज ये यहाँ पे ये हाल होते हैं, देखो ये कपड़े कपड़े गिर रखे हैं, नशा पता करके लोग यहीं फेंक देते हैं कपड़े वगैरह, ये वो क्या पता क्या क्या नशे करते हैं। यहाँ से राहुल जाता है गाइज, यहाँ पे ही नशे पते जो भी इसके होते हैं, इसके दोस्त करते हैं। अभी देखते हैं राहुल की कंडीशन, पूछते हैं गाइज, ना वो सवेरे से फ़ोन उठा रहा है ना रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि उसके जो दोस्त है जो उसके साथ रहता है उसी ने बताया कि मैडम एक बार बात कर लो कि मरमरा ना जाए, नशा पता करके कहीं मतलब कि ट्रेन के नीचे आ जाए नशा कराओ उसमें। ये देख सकते हो आप रोड जहाँ इसके दोस्त खाली बैठते हैं, कैसा रोड है, ऐसा लग रहा है गलियों में चढ़ के जैसे हिमाचल जा रही हूँ, ऐसे लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। अरे बाप रे, देखते हैं गाइस, राहुल की जिंदगी बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो अरे तो गाइस यहाँ पे राहुल के मतलब कॉलोनी से बताया था राहुल ने एक दो बार कि लड़के काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर चुके हैं इस पटरी पे, पहले से मुझे बताया। मैं आ चुकी हूँ पटरी पे, आप देख सकते हो इस तरफ आगे तक कोई ट्रेन नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत। राहुल राहुल में क्या करता है रे, मरमरा जाएगा ट्रेन आ गई, मैं भी साथ में मरमरा जाऊंगी। राहुल क्या हो गया? राहुल तू यहाँ पे पटरी पे अकेला क्या कर रहा है? तुम क्या करने आए इधर? क्यों मैं आ नहीं सकती यहाँ पे? नहीं जाओ तुम अभी, इधर रुक दो, हुआ क्या तेरे को बता? कुछ नहीं हुआ यार, पागल गाड़ी आ जाएगी यहाँ पे, साइड हो जा, इधर आ जा, इधर साइड में बात करते, आ जा आ जा, 100 रुपए दूंगी तेरे को गांजे के लिए। अरे नहीं जाओ तुम, क्या हो गया? तू सवेरे से यही बैठा, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? थप्पड़ मारूंगी, अभी तो रील देख रहा था, बता क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ तुम भाई, जाओ अपने घर जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा? इधर अच्छा मेरे पास इधर आ, ट्रेन आ गई जल्दी, ट्रेन जा रही है। इधर बता दिक्कत क्या आ रही है? कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी। तू यहाँ नशा कर रहा था? नशा कर रहा था? बैठा हूँ, बैठा हूँ। फिर क्या हुआ, क्या बात तो बता।
बस आज ही थोड़ा। चल यहाँ से चल, हम नीचे बात करते। चल कहाँ जाओ, जाओ तुम जाओ। देखो हुआ क्या है यार राहुल, यार तू पागल हो गए? जब से गांव से आए कुछ करवा के तो नहीं आया जादू टोना? जादू टोना करवा दिया है। चल आ जा वहाँ बैठ के बात करते हैं। कहाँ? वहाँ गाड़ी में। चल गाड़ी लेके आई हूँ मैं, गाड़ी में एसी में बैठ के जाओ तुम ना। जी बात चल उधर से चल। चलो मैं आ रहा हूँ। नहीं तू साथ चल, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। मेरे साथ चल, चल आ जा। अरे तो चलो ना, मैं आ रहा हूँ। नहीं तू चल मेरे साथ चल। चल यार जल्दी, तेरे को अकल नहीं है? तू छोटा बच्चा है, इतने साल का पड़ा होगा। चल यहाँ से, चल यहाँ से। तुम्हें बताई कि नहीं? बताया मुझे तेरे दोस्त ने। चल तेरे दोस्त ने बताया? मेरे दोस्त ने बताया मर रहा है यहाँ पे, बता लूँ उसको। घर वालों से लड़ते हैं तो चलो हम बैठ के बात करते हैं, यहाँ मरने आ जाएगा। अरे ना करने की बात के बाद जाओ, मेरे से कर ले फिर बैठ के बात है। नहीं जाओ चल। कितने गंदे रोड है। रोड है हाँ, ये जो भी कोई भी रोड बता रहे अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन रहा है? ये छोड़ मेरी बात सुन, क्या दिक्कत परेशानी है अब बता, सीधे बता तेरे को दिक्कत परेशानी क्या। तेरे घर वाले क्या बोल रहे तेरे को मुझे बता, मैं बात करूंगी उनसे। घर वाले कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ पैसों के लिए तंग कर रहे? किस चीज की परेशानी आ रही तेरे को? तू क्यों सुसाइड के लिए वो कर रहा था? क्यों मरने के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? इतनी गर्मी में देख मेरा बुरा हाल हो गया, गर्मी में इतनी धूप में मर रहा है। तेरे को कितना सुंदर बना रखा हमने, कितना काला हो गया, कितना बदसूरत लग रहा है, तुझे पता है ये चीज? सही लग रहा हूँ क्या खराब लग रहा हूँ? अब तो सही हो गया, तू थोड़ा पहले से। हाँ बस जीने का मन नहीं कर रहा यार अब। क्यों नहीं कर रहा जीने का मन? तू मुझे बताना तो कि तेरे घर वाले ये तंग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुझे? मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं कैसे क्लियर करूंगी? सो गाइज, इसके घर में चल रही है पैसों की दिक्कत एक्चुअली, कि मतलब इसके घर वाले इसको डर के मारे पैसा नहीं देते कि ये मतलब कि नशे पते में उड़ा देगा, इस करके इसके घर वाले इसको पैसा नहीं देते हैं, इस करके ये चिढ़ता है। आई एम राइट? तू मेरी बात सुन, तेरे घर वाले तेरा माड़ा चाहेंगे, तुझे क्यों नहीं देते? तू नशा पति अपने दोस्तों को खिला देता, इसलिए मना करते हैं तेरे को। अरे यार 150 रुपए के लिए कौन मना करता है, इतना बताओ ना। चल 150 तू कभी कभी ले ले, कहते ठीक है, हर रोज मांगता, कहते 100 रुपए 100 रुपए की पूरी लेता। तेरी मम्मी बोल रही थी, तेरी मम्मी बोल रही थी। अब बता, अब बंदा कमा रहा है तो एक्स तो करना पड़ेगा। चल तू कमा रहा है, मानते हैं हम कमा रहा है, तो सारा मान रहे हैं हम कमा रहा है सब कुछ, है ना। अब मेरी बात सुन, तेरा जो भाई है सूरज, वो अपनी सारी सैलरी अपने घर देता है कि नहीं देता? वो जो देता है। तो फिर तेरे को क्या तकलीफ है? वो देता है तो तेरे को क्या तकलीफ है? तेरे को कपड़े बढ़िया मिलते सब, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता है तेरे दोस्त का फोन आया था खास मेरे को, उसने पता क्या बोला? कहते मैडम राहुल ना बोलते 2-4 दिन से उसके घर पे लड़ाई चल रही है, तो राहुल कहते पटरी पे बैठ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं खा पी के कहते पटरी के नीचे ना आ जाए। अब बता तू मरना चाहता है तो तेरे को मैं जहर के लिए पैसे दूं? दे जहर के लिए पैसे, वो भी था कि तू नशा कर ले जहर के लिए पैसे बोल के? नहीं नहीं, जहर ही खा के क्या, जहर ही खा के मर जाना घर का। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है राहुल? इतनी अच्छी जिंदगी मिली है तेरे को,
अच्छा तू कमाता है जिंदगी अच्छी है, क्या है पैसा है हमारे घर पर का जिंदगी है। तो मेरी बात सुन ठीक है, तू तेरे घर पर पता किनके होते बिल्कुल कोठी बंगला सब कुछ होता है, कार कूर पैसा पूसा अच्छा ना बोलते जिंदगी। अच्छा और हमारे जैसे का जिंदगी है एक रुपए जेब में ना वो जिंदगी, एक रुपया जेब में ना, तेरे पास अगर 100 रुपए भी हो तो मिनट में अपने दोस्तों को खिला दे। कल तेरे पास थे तूने अपने दोस्तों को बुला के तभी चलो पानी पिला जाए बात, पानी तो पिलवा देंगे तू बता कल तूने करा देंगे मर जाऊंगा तब। अब पहले मेरे से प्रॉमिस कर कि तू ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। अच्छा मेरी बात सुन, जो तेरी सैलरी में से आधे पैसे घर पे दूं आधे मैं अपने पास रखा करूंगा तू उस मंगा करेगा, पर तू वादा करके तू नशा पता नहीं करेगा कोई अच्छी नहीं करूंगा यार, नशा पत्ता कर करके तो कमजोर सो गया हुआ। हाँ नहीं करना नशा पत्ता यार, पक्का नहीं करेगा नहीं। तब तो मैं तेरे घर वालों को अभी फोन कर रही हूँ और सुन मेरी बात, उनको बोल देती हूँ आधे पैसे तुम्हें दूंगी आधे पैसे मैं अपने पास रखूंगी, जब राहुल मांगा करेगा 100-150 देंगे, पर नशा नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा। वो कह रहे कहते देने को हम भी दे हमारा बेटा है काम करता है हमें पता है, पर कहते नशे पत्ते में उड़ा देता है ये बोला। नशा पत्ता है नशा पत्ता, वैसे बंदा करो तो बदनाम, ना करो तब भी बदनाम, तो फिर सोचते करके ही बंदा बदनाम हो यही सोचता है, ना करा तब भी बदनाम करा तब भी बदनाम का फायदा है। फिर अब तुम ऐसा करो, हाँ 1000 रुपए दो ठीक है दे दिए, कॉलोनी छोड़ के चल जा रहा हूँ। 1000 रुपए तू कितने दिन काट लेगा, काम ना करूंगा और कहीं का ऐसी बेले घूमू, तू मेरे को दिक्कत परेशानी मैंने तेरी दूर कर दी, मेरे ध्यान से बात सुन, जो तेरे को 100-150 चाहिए होता है वैसे तो तू मेरे से भी ले लेता है, पर चल कोई बात नहीं तेरी मम्मी से बात कर लूंगी, आधी सैलरी वो रखेंगे आधी मैं रख लूंगी, 100-150 पर नशा नहीं करेगा बोल। नहीं करूंगा बस ठीक है, नहीं करूंगा फिर आप तो नहीं करेगा ऐसे अपना, सवेरे तू 10:30 बजे मुझे यहाँ पे मिला कर, 4-5 बजे तेरी छुट्टी ठीक है, ठीक है पक्का नहीं नहीं उधर उधर जाएगा फालतू, प्रॉमिस बस ठीक है। सो गाइज आज राहुल आपका बड़ी मुश्किल से मैंने बचाया, हर रोज मैं नहीं बचा पाऊंगी, कल को अगर राहुल ब्लॉग में नहीं दिखता है ना, कई बार इस बच्चा है इसका मन नहीं भी करता ब्लॉग बनाने का, आप मुझे कहते हो कि ब्लॉग बनाया करो ये वो, क्योंकि इनके लफड़े रहता है या तो कभी पैसे का रहेगा या इसका नशे का रहेगा कपड़े इसका, कोई ना कोई लफड़ा ही लगा रहता है, इस करके मेरी जब सिर दर्द होती तो मैं बोलती हूँ खुद ही बना लूंगी अकेले, बट फिर भी मेरे को राहुल के साथ मुझे भी अटैचमेंट है जैसे राहुल को है, तो इस करके हम आज मैं आ जाती हूँ इसके पास। सो गाइज अब राहुल उसने बात हमारी क्लियर हो गई है पैसों पूसों की भी, अब हम ब्लॉग यहीं पे कर रहे हैं खत्म, है ना राहुल, कि आज का ब्लॉग बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और तूने पटरी पे नहीं बैठना है, बात खत्म, पटरी पे अब नहीं बैठेगा, क्यों पैसे चाहिए ना, वैसे बैठता नहीं, कोई आ गया कोई गाड़ी गुड़ी आ गई वो क्या बोलते ट्रेन आ गई मर मुर गया तो चलो नहीं जाऊंगा बस। हाँ क्या ब्लॉग बढ़िया लगा लाइक शेयर, बढ़िया लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल साहब, अब तुमने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, चलो ठीक है ओके गाइस बाय।